दशहरी मोड़ 1-2 UP 32 और चलते हैं उदय भाई के पास और पूछते हैं ये टूर्नामेंट मतलब क्यों होता है और किस लिए होता है 32 टीमों का आखिर। और उदय भाई क्या हाल है भाई? बढ़िया। ये टूर्नामेंट मतलब मॉर्निंग भाई सभी को, सभी को भाइयों को गुड मॉर्निंग हमारे उदय भाई की तरफ से और मेरी तरफ से। और भाई ये 32 टीमों का मतलब टूर्नामेंट होने का क्या रीज़न है भाई? ये रीज़न ये था कि एक हमारे बहुत ही प्रिय भाई थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है जी, तो ये उन्हीं की याद में सिर्फ हो रहा है छोटा सा। जब मैंने अपना 64 टीम का करवाया जी, तो उसमें सबने कहा कि इनकी याद में भी एक रखा जाए, तो इसीलिए 32 टीमों का ये है आयुष मेमोरियल के नाम से। आयुष मेमोरियल जी, तो भाई ये आयुष मेमोरियल। और ये देखिए तवंग वाले और पालागंज वाले दोनों साथ साथ आ गए और भैया इन लोग का एक एक पेज कटे में जाना चाहिए। जीशान भाई और समीर भाई और सेकंड राउंड लड़ रहे हैं, सेकंड राउंड लड़ रहा है समीर और मूनलाइट। बढ़िया पहला राउंड तहसीन 11 को काटा 5-6 से ऑल पे काटा है मतलब समीर भाई ने। तो दोस्तों आ गए हैं 32 टीमों वाला टूर्नामेंट में और आयुष भाई की याद में होता है जो कि उदय भाई के बहुत ही प्रिय भाई थे, उनके घर के पास रहते थे। तो चलते हैं पेज पे, पहला पेज आपको दिखा रहे हैं आज का जो कि समीर और मूनलाइट का लड़ रहा है। और जो नीचे से लड़ाएंगे वो हैं जीशान भाई और ऊपर से सल्लू भाई। पेज जैसे ही सही होता है और आपको दिखाते हैं। लेफ्ट साइड जो पतंग है वो है जीशान भाई की और राइट साइड जो पतंग है कैमरे में वो है सल्लू भाई की। अभी पेज नहीं सही हुआ है, पेज सही हो गया है। लेफ्ट साइड पतंग जीशान भाई की और राइट साइड पतंग सल्लू भाई की। जीशान भाई पत्ता खींचने की कोशिश और फिर से दे दी झुकाई। झुकाई देना मतलब गद्दे को खाली खिलाना ताकि जितनी गद्दे की पावर हो सब ख़त्म। और देखे पत्ता खींचना, बढ़िया पत्ता खींच दिया, बढ़िया पत्ता खींच दिया। देखे पहले ही कह दिया पत्ता खींच दिया। और समीर और मूनलाइट का 1-0 से समीर आगे। भारत की तरफ पीछे खड़े जुगनू भाई और आगे तारिक भाई ने बढ़िया पहला पेच काट दिया और 1-0 का स्कोर कर लिया। आपका गेम किससे लड़ रहा है? शिवम से। जय भारत। और शिवम भैया नाम हम भूल जाए कभी तो उसके लिए माफ़ी। चलते हैं पेज पे। तो दोस्तों पहला पेज आपको दिखा रहे जय भारत और शिवम का। जय भारत ने एक पेज काट दिया, तारिक भाई ने बढ़िया एक पेज काट दिया था। और राइट साइड जो पतंग है वो है जय भारत की और लेफ्ट साइड जो पतंग है वो है शिवम की। पेज अभी नहीं सही हुआ है, पेज सही हो गया है। याद रखे लेफ्ट साइड जो पतंग है वो है शिवम की, राइट साइड जय भारत। पेज सही है, पेज सही है। और जय भारत ने पत्ता खींचने की कोशिश और छोड़ दिया ऊपर से शिवम। और भाई दोस्तों पेज देखने के लिए क्वालिटी को हमेशा 1080 कर लिया करें। और अभी तक मोंटू यूपी 32 को सब्सक्राइब ना किया तो भाई दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। कभी कभी बनाता हूँ वीडियो आप ही लोगों के लिए। पेज सही है और जय भारत के मेंबर ऊंचा दिए हैं, पूरा गद्दा मारने का मौका दे रहे हैं पर अपोनेंट अभी गद्दा नहीं मार रहा है। लेफ्ट साइड शिवम, राइट साइड जय भारत और ऊंचा दे दिया, गद्दा मारा है शिवम ने। जय भारत ने क्रॉस पे दिखा के बाहर ले लिया ताकत से। अब बहुत बढ़िया पेज खींच के काट दिया हमारे तारिक भाई ने। भाई आ गए पहला पेज लड़ाने। अड्डू भाई आपका किससे? भाई मेरा वो बारूद आरूद कोई किला को खेल। अच्छा, और आप गैलेक्सी? गैलेक्सी नहीं, डीएलडी। डीएलडी और बारूद की तरफ से पहला, डीएलडी की तरफ से लड़ाएंगे हमारे अड्डू भाई और ऊपर से बारूद पहला पेज लड़ने जा रहा है। चलते हैं दोस्तों पेज पे। राइट साइड जो पतंग है वो है अड्डू भाई की डीएल से और लेफ्ट साइड जो पतंग है वो है बारूद। तो भाई ये सब लोग अपनी एंट्री कराते हैं नए नए नामों से। और पेज सही है और पत्ता खींचने की कोशिश, अब देखते हैं क्या पत्ता खींच पाएंगे या फिर रोक लेंगे।
पत्ता क्या खींच देंगे अड्डू भाई। राइट साइड पत्ता खींचने की कोशिश, गद्दा मार दिया है ताकत से। और भाई क्या कहें यार, पतंग तो इनकी हटेगी पर पेच बहुत बढ़िया काट दिया ऊंचे ऊंचे आसमान ने। और डीएल और बारूद के बीच में 1-0 से डीएल आगे। शरद भाई ने चरखी दिखाया इसलिए अड्डू भाई ने पेच काटा है ना। अड्डू भाई ये बात सच है? ठीक भाई, ऊपर से लड़ाएंगे हमारे फुरकान भाई। दूसरा पेच, पहला पेच भाई का कट गया। गुलशितान और शरीफ 1-0 से गुलशितान पीछे है और ऊपर से लड़ाएंगे हमारे फुरकान भाई। तो देखते हैं कैसे गद्दा मारते हैं हमारे फुरकान भाई। और नीचे से उमर भाई एक पेच गद्दा मारा है और फिर से नीचे गए। भैया सनी तुम तो ज़रूर देखना है इनको। और देखे गद्दा मारने की जगह बना रहे, क्या होता है गद्दा मार पाते हैं या फिर नीचे से उमर भाई खींच के इनको करते हैं ख़त्म, मतलब इनका पेच काटते हैं। और उमर भाई ने भी एकदम ऊंचा दिया है, ये हाथ पे उतरे हैं। उमर भाई ने ले लिया बाहर, बाहर ले लिया और गद्दा मारा है ताकत से। और ये देखिए हाथ में इनके सीरा आ गया। और उधर से उमर भाई ने दो पेच बढ़िया काटे, 2-0 से शरीफ आ गए। तो भाई ये देखिए सभी टीमें खड़ी हैं, ये जय भारत है। नौशाद भाई हमारे बैठे हैं, ये देखिए राजेश भाई, ये देखिए वन मैन आर्मी, अकेले ही पूरा टूर्नामेंट संभालते हैं और बढ़िया टूर्नामेंट कराते हैं। उदय भाई हमारे पेज जो है न्यू रफ्तार की तरफ से लेने गए हैं शद्दुल भाई। और ऊपर से लड़ाएंगे बालागंज की तरफ से फैजान भाई। चलते हैं पेज पर, जो पतंग है वो है न्यू रफ्तार की और लेफ्ट साइड बालागंज, बालागंज से लड़ा रहे फैजान भाई। पहला पेज, पहला राउंड है और न्यू रफ्तार से लड़ा रहे शद्दुल भाई। पेज सही है, पेज सही है। लेफ्ट साइड जो पतंग है वो है बालागंज की, पेज सही है। और देखिए राइट साइड नीचे ही नीचे जगह लिए ले रहे हैं शद्दुल भाई और एकदम टेढ़ा कराते जा रहे हैं कि जो है खींचने में आसानी हो। अब देखते हैं इतना टेढ़ा कराने के बाद खींच लेते हैं या फिर फैजान भाई काट देंगे। और भाई गेम है, कोई भी काटे कोई भी कटे, आपस में हमेशा जो है ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पतंग है आज काटोगे कल कटेगी। हाँ जय भारत और ओल्ड शिवन, 2-0 से जय भारत आगे। और क्रॉस पे मारा पट, फिर से मार दिया पट और बढ़िया पे काट दिया गद्दा मार के शिवम ने, 2-1 से जय भारत आगे। दोस्तों पेज सही है, राइट साइड ताहिर वाला और लेफ्ट साइड दबंग, पेज सही हो गया है। और ताहिर वाला से लड़ा रहे हैं अदनान भाई और दबंग से लड़ा रहे कामरान भाई, पेज सही है। अब देखते हैं या अदनान भाई खींच लेते हैं या फिर कामरान भाई गद्दा मार लेते हैं, पेज सही है। राइट साइड जो पतंग है वो है ताहिर वाला की और लेफ्ट साइड दबंग की। पहला पेज चल रहा है और कामरान भाई ने निकलता हुआ गद्दा दिखाया और ताकत से दिखाया और बढ़िया थपथपा के यार बढ़िया पेज काट दिया कामरान भाई ने, 1-0 से दबंग आगे। कामरान भाई फिर से जा रहे हैं नीचे का पेज लड़ाने और चलते हैं अब की से मूनलाइट की तरफ, देखते हैं कौन लड़ाता है ऊपर से। फिर वो या इनका जो है दूसरा खिलाड़ी काट रहा है, इतना खुश है कि इन्होंने जो है हमारे लिए खाना पीना सब इंतज़ाम करा दिया है। सही है, राइट साइड जो है मूनलाइट और लेफ्ट साइड समीर, 1-0 का स्कोर है। और जीशान भाई ने फिर से खड़ा खींच दिया और कट गए खड़ा खींच के और बढ़िया पेच काटा है यहाँ पे इसने। और समीर और मूनलाइट 1-1 का स्कोर बराबर। बारूद की तरफ से सलीम भाई लड़ाएंगे ना। और पहला पेच जो है अम्बाद भाई का कट गया और आपने पतंग देखी होगी तो पता होगा क्यों कट। उमर भाई 3-0 का स्कोर हो गया, बढ़िया। हम अभिषेक भाई कैसे पेज काट रहे हैं उमर भाई? अभिषेक भाई पेज कैसे काट रहे हैं? ऐसे ही पेज हम लोग काटते भाई, इससे हल्का रखते हैं गेम भाई। अभिषेक भाई बहुत खुश हैं हमारे और बढ़िया पेज काटा। 3-0 से शरीफ आगे।
रफ्तार और बालागंज ऊपर से अश्विन ने चलाया गद्दा और लगा दिया गद्दा पावर में और कट गया गद्दा। बढ़िया पेच काट दिया न्यू रफ्तार ने 2-0 से न्यू रफ्तार आगे। सामने खड़े फैजान भाई और एक टूर्नामेंट करा रहे हैं जैसे काकोरी मोड़ पे फैजान भाई और जावेद भाई लोग अनीस भाई लोग और पूछते हैं फैजान भाई कब से टूर्नामेंट। टूर्नामेंट स्टार्ट 25 तारीख से इंशाल्लाह कराएंगे जी। 64 टीमों का और क्रिस का है बिना क्रिस का है सुबह हुआ था जी वैसे ही सेम होगा पर दिन में होगा दिन में होगा 2 बजे से लेकर टाइमिंग रहेगी जी 2 से 2:30 बजे की जी 64 टीमों का रहेगा जी। तो भाई देखिए फैजान भाई ने बता दिया 64 टीमों का मैच रहेगा और काकोरी मोड़ जहाँ पे पौने का भीम ने जीता था वहीं पे और अब किसे मॉर्निंग में नहीं और डे में लड़ेगा 2 बजे से। तो भैया जिसको जिसको एंट्री करानी हो फैजान भाई जावेद भाई अनीस भाई तो इन लोग से कांटेक्ट करें। दबंग की तरफ कामरान भाई लड़ा रहे दबंग से और ऊपर से ताहिर वारा की तरफ से लड़ा रहे फैजान भाई। तो कामरान भाई की दिखाते इस बार खींच और इससे पहले बढ़िया पेज फैजान हमारे कामरान भाई ने ऊपर से काटा बाहर के मुड्ढे पे झटकते हुए निकाल लिया और देखते कामरान भाई और पेज सही हो गया है पेस सही हो गया है और ताकत भरे दोनों ही खींच के खिलाड़े उसने ताकत भरी और इन्होंने भरी और इन्होंने काट दिया क्योंकि हम देख रहे थे फैजान भाई को बढ़िया पेच काट दिया 2-0 से दबंग आगे। तुम्हारा स्टीकर लगा के उड़ाना अनिवार्य है ये सभी भाई सुन ले जिनका जिनका गेम नहीं है क्योंकि अगर आपने पेच काटा और आपकी पतंग में स्टीकर नहीं है और पता चल गया तो आपका पेच कटे में जाएगा। समीर भाई हमारे ऊपर से लड़ा रहे 1-1 का स्कोर बराबर है मूनलाइट और समीर का क्लब में। नीचे से शिवांश ऊपर से समीर देखते हैं अब कौन खींचता और कौन काटता है और मारा है गद्दा समीर भाई ने और कट गए। बढ़िया जो है शिवांश ने खींच के पीछे काटा स्टीकर जो है देखे लगाना था और स्टीकर देखे नहीं उड़ाई पतंग और पेच काट दिया पेच कटे में जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है डिसीजन कटने के बाद भी जो है पेच मिल गया क्योंकि स्टीकर नहीं लगाया था भाई और समीर भाई को पता था उसकी पतंग में स्टीकर नहीं है जिसके बाद कटने के बाद ऑब्जेक्शन किया और पेच कटे में गया। समीर से जिशान भाई अपनी पतंग खींच रहे हैं सही कर रहे हैं। लेफ्ट साइड शरीफ राइट साइड गुलशिता 3-0 का स्कोर है। नीचे से उमर भाई तेज तर्राट पतंग लड़ाते हुए खींचते हुए एकदम देखो टूटने का कोई खौफ नहीं कि पतंग टूटेगी और ऊपर से गुलशिता पेस सही है पेच सही है हाथ की तरफ उतार के फिर से खींचा और बढ़िया पेच काटा है यहाँ पे गुलशिता ने। इसी के साथ 3-1 का स्कोर तरफ से भाई लड़ा रहे 2-2 का स्कोर बराबर हो गया है। पहले काटे थे जय भारत ने और अब इधर से शिवम ने 2-2 का स्कोर बराबर और यासिर भाई हम आपके तो टी शर्ट पर नाम लिखा ही है ऐसा ही। तो शिवम की तरफ से लड़ा रहे वसीम भाई पेस सही हो गया और जय भारत की तरफ से ऊपर से लड़ा रहे जाकिर भाई देखिए खींचने की कोशिश और खींचा है ताकत से और बढ़िया पेच काट दिया भाई वसीम भाई ने। इसी के साथ 3-2 से शिवम आगे। दबंग और ताहिर वाला राइट साइड ताहिर वाला की और लेफ्ट साइड दबंग की ताहिर वाला ने गद्दा चला दबंग ने खींचा बाहर और बढ़िया खींच दिया भैया वो देखे गिरा कामरान भाई गिर गए और पेच काट दिया गिर गए। अच्छू भाई लड़ाने जा रहे और इनकी चरखी भी मेरे हाथ में और फिलहाल तो अभी 2-0 से पीछे हैं न्यू रफ्तार आगे है और बालागंज पीछे है चरखी भी मेरे हाथ में और कैमरा भी मेरे हाथ में और अच्छू भाई पेच लड़ा रहे नीचे से न्यू रफ्तार ऊपर से बालागंज 2-0 से फिलहाल बालागंज पीछे है। अब देखते हैं अच्छू भाई काटते हैं या फिर न्यू रफ्तार से शद्दुल भाई पेच सही है ऊपर से हमारे लड़ा रहे हैं अशु भाई
किसने कहा यार ये अशु भाई उदय भाई अभी तो बताया बराबर हुआ है भाई ने बताया अशु भाई अशु भाई ऊपर से लड़ा रहे गद्दा मारने की जगह देख रहे हैं और सीधा मारा गद्दा ताकत से बढ़िया गद्दा मार दिया और कट गए उसकी पतंग खराबी है भाई एक देखिए पतंग कटी और ये पकड़ी जाएगी मैदान में किसी ने पतंग खींची और कट गई रील लग के लेफ्ट साइड जो पतंग है वो है शिवम की और राइट साइड जय भारत की शिवम ने खींच दिया खड़ा बढ़िया पेज खींच के काट दिया है शिवम ने मूनलाइट और समीर का पेज चल रहा है राइट साइड वाली मूनलाइट की शिवांश लड़ा रहे और समीर ने गद्दा मारा और बढ़िया अंदर थपथपाया और बढ़िया गद्दा मार दिया यहाँ पे पेज काट दिया समीर ने क्या स्कोर हो गया दो भाई तीन का हो गया भाई आप आगे बढ़िया समीर दो और तीन से आगे सद्दुल भाई के पास और चलते हैं पेज पे 3-0 का स्कोर है न्यू रफ्तार और बालागंज के बीच और देखते हैं कौन काटता ऊपर से लड़ाएंगे अशु अशु के दो पेज कट गए एक पेज बचा है और देखिए पेज लड़ा रहे चलते हैं पेज पे और राइट साइड जो पतंग है वो है शद्दुल भाई की और 3-0 का स्कोर है और जो लेफ्ट साइड पतंग है वो है अशु की बालागंज से अब देखते हैं कौन काटता है और शत्रुल भाई ने बढ़िया चमका के और बढ़िया क्रॉस पे मारा है पट और बढ़िया गद्दा मार दिया है यहाँ पे अशु ने की तरफ 4-2 का स्कोर है फेस सही हो गया तो यहाँ पे देख लेते हैं खींच और फेस सही है हल्का सा झुकाई दिया और फिर से खींचा और उसी को ले लिया बाहर ताकत से और बढ़िया पेच काट दिया है बल काट दिया है 5-2 का यासिर भाई ने बताया कि बल काट दिया बहुत बढ़िया मोहसिन भाई ने पेच काट के और अपनी टीम का स्कोर 3-3 बराबर कर लिया शरीफ और गुलसितान बढ़िया मोहसिन भाई लेफ्ट साइड समीर की राइट साइड मूनलाइट 3-3 का स्कोर बराबर नीचे से लड़ा रहे जीशान भाई और बढ़िया खींच दिया और 3-4 से समीर आगे और बाहर खींच दिया भैया 5-0 भाई इतनी तेज पेज लड़ गया कि जो है कुछ कह ही नहीं पाए और पेज काट दिया 5-0 5 काट दिया कामरान भाई ने भैया शिवम की तरफ और 5-2 का स्कोर है एक पेज काटना है फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा शिवम का पेज सही हो गया नसीम भाई लड़ा रहे पतंग कहीं कहीं पे भाई नदीम भाई बोल दिया था उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और खींच दिया है और बढ़िया खींच दिया है और राउंड क्लियर तो यासिर भाई पहला राउंड आपका क्लियर हो गया जय भारत से 2-6 से आए बढ़िया काट दिया है सारे मेरे लगता है नसीम भाई ने काटे हैं अच्छा एक पतंग से समझ ले 6 काटे पर इनाम भाई को इनाम मिलेगा क्योंकि 1-6 काटे हमें लगा था कि बिना कटे पर वो इनाम फाइनल वाले दिन मिलेगा देखिए आप कितनी उड़ रही हैं हंसी मजाक भी हो रही है देखिए दशहरी मोड़ अधी का एक टूर्नामेंट आयुष मेमोरियल के नाम से हो रहा है राइट साइड जो पतंग है वो है रिशु की और लेफ्ट साइड फेमस पेज सही है फेमस से लड़ा रहा है नीचे स्माइल देखते स्माइल काटता है या फिर कटता है पेज सही है ऊपर से रिशु राइट साइड वाली पतंग रिशु की लेफ्ट साइड ये देखिए कैसे चमका के ऊंचा देता है और हल्की झुकाई दी और रिशु की राइट साइड लेफ्ट साइड फेमस और खींच दिया ताकत से और बढ़िया पेज काट दिया यहाँ पे फेमस ने फेमस और रिशु का स्कोर हो गया 2-2 का बराबर एक पेज गया था कटे में
फेमस का, क्योंकि बहुत लेट में आए थे, सोते रहे थे इस्माइल। सही है, गुलिस्तान और शरीफ का ये पेलर था, ऊपर से शरीफ नीचे से गुलिस्तान, तीन तीन का स्कोर बराबर। गुलिस्तान की जो है राइट साइड वाली है, लेफ्ट साइड वाली शरीफ की। और गद्दा मारा है शरीफ ने, बढ़िया पेच काट दिया अभिषेक ने, गद्दा मारा ये बढ़िया गद्दा मार दिया अभिषेक ने। पेल लेने आ गए इस बार फैजान भाई बालागंज के लिए, और ऊपर से लड़ाएंगे अदनान भाई न्यू रफ्तार के लिए, रफ्तार या न्यू रफ्तार जो भी है। चलते हैं पेज पर। लेफ्ट साइड पतंग है वो है फैजान भाई की, और राइट साइड जो पतंग है वो है रफ्तार या न्यू रफ्तार। न्यू रफ्तार है, शद्दुल और अदनान लड़ा रहे हैं, पेज सही है। अदनान भाई ने गद्दा मारा और हल्की सी झुकाई दी और तेज तेज थपथपा दिया, बढ़िया पेज काट दिया थपथपा के फैजान भाई ने। इसी के साथ स्कोर 3-2 का, इसके साथ स्कोर हो गया 3-2 का। लेफ्ट साइड जो पतंग है वो है समीर की, जीशान भाई लड़ा रहे, और राइट साइड मूनलाइट, मूनलाइट से लड़ा रहे सल्लू भाई, पेस सही है, पेस सही है। 4-2 का स्कोर है, 4-2 से समीर आगे, पेस सही है जीशान भाई और सल्लू भाई का, ये पेज चल रहा है, पेज सही है। आगे पीछे जगह देख लें, पेज सही है। सल्लू भाई ने गद्दा रखा, पेज सही है। सल्लू भाई ने गद्दा रखा और खींच दिया ताकत से, और बढ़िया डोर छोड़ के बढ़िया पेट काट दिया। इसी के साथ 2-5 का स्कोर कर लिया जीशान भाई ने। भाई जीशान भाई काट रहे हैं, जीशान भाई ने एक पेच काटना है और 6-0 से जीत जाएगी दबंग, और 6-0 से बाहर हो जाएगी ताहिर वाला। एक पेच अगर बाहर ले लिया, काट कट गए हैं यहाँ पे कामरान, और रोक लिया है 6-0 से काटने पर। फिर वो पटेंगे शावेद अंसारी की पतंग, बढ़िया पतंग, ये कामरान कर रहे हैं, ये सबक कर रहे हैं, नड़ मार के पतंग उतार रहे हैं, अब देखते हैं उतार पाएंगे या नहीं। ये देखिए दूसरे चिंगारा आए, ये अब उतार रहे हैं। एक शावेद अंसारी की पतंग लटक गई है, उसके चक्कर में ये लोग नड़ मार रहे हैं, और वो देखिए एक ही बार में जो है मार दिया, और वो देखिए भाई लंगा छोड़ दो, लंगा छोड़ देंगे, और ये देखिए दो दो लोग मिलके एक पतंग उतार रहे हैं। ये देखिए इतना एक्सपीरियंस, देखिए एक लंगड़ में पतंग आ गई, आ गया जिशानों में काट दिया। तो दूसरा राउंड था, क्या स्कोर था? 2-6 से बढ़िया राउंड काट के गेम जीत लिया। इसमें आपने कितने पेच काटे? 5। कल काटे हमारे समीर भाई ने, और आज काट दे जीशान भाई ने। राइट साइड वाली पतंग टायर वाला की, और लेफ्ट साइड कामरान, और खींच दिया, और बढ़िया पेच खींच के यहाँ पे फैजान ने 2-5 का स्कोर कर लिया है।